अगरबत्ती से हम कैसे जान सकते हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है या एक बेबी गर्ल को कंसीव किया है? कई सारे आप वीडियो देखे होंगे जिसमें बताया जाता है कि आप अगरबत्ती के माध्यम से काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को कंसीव किया है। ये कितना सत्य है और कितना मिथ्या है, आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पे हम बात करेंगे पूरी डिटेल्स में, और ये भी जानेंगे कि कितने मंथ में आपको अगरबत्ती की सहायता से आपको पता चल जाता है कि आप मतलब जो है बेबी गर्ल की माँ बनने वाली है या बेबी बॉय की माँ बनने वाली है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ सोनी और आप देख रहे हैं सोनी साहनी टिप्स। पहले इस चैनल का नाम था बट अभी मैंने चेंज कर दिया है, माँ बनने का सफ़र। तो आप देख रहे हैं माँ बनने का सफ़र। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि अगरबत्ती की सहायता से हम कैसे जान सकते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का है या एक लड़की है। जैसे ही कोई महिला प्रेगनेंसी को कंसीव करती है तो मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, जो बेहद जानने की उत्सुकता होती है कि हमारे घर में पल रहा शिशु जो है वह एक लड़का है या एक लड़की है। देखिए, अगर आपको यानी कि जब भी आपके घर में पूजा पाठ होता है या कुछ भी शुभ काम होता है या ऐसे भी आप डेली बेस पे अगरबत्ती तो ज़रूर ही जलाते होंगे, तो जैसे अगरबत्ती घर में जलती है या कहीं पर भी जलती है तो उस अगरबत्ती की जो महक होती है, स्माइल होती है, ऐसे तो सबको भाती है, बहुत ही अच्छा सुगंध होती है। और हो तो उस अगर आपको बहुत ज़्यादा सुगंध भा रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो हमारे ओल्ड वाइफ बोलते हैं कि यह एक यानी कि लड़की होने का संकेत माना जाता है। वही आपको अगरबत्ती की धुएँ उतना नहीं भाती है, महक आपको पसंद नहीं आती है, तो बोला जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का है। लेकिन मुझे ये कितना आपको सत्य लग रहा है और कितना मिथ्या लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे तो बड़े बुजुर्ग बताते हैं, ओल्ड वाइफ बताते हैं, कई महिलाओं पर सटीक भी बैठे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन कितने महिलाओं पर सही बैठा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें पता चल सके कि हाँ, इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का है या एक लड़की है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपका कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ अगले नए वीडियो में, और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, प्रेगनेंसी को इन्जॉय कीजिए और कमेंट्स में जय।